पाकिस्तान खुफिया एजेंसी है आईएसआई, कई अधिकारी भी आईएसआई प्रमुख के साथ मौजूद हैं। तालिबान के नेताओं ने उससे न्योता भेजा है क्योंकि दो तीन दिन के अंदर तालिबान सरकार बनाएगा, तालिबान सरकार का गठन हो जाएगा। और क्या ऐसे में अब आईएसआई का भी कोई रोल होने जा रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद तालिबानों की फरमाइश पर अफगानिस्तान जा पहुंचे। जनरल फैज हमीद ने चाय का कप पकड़कर अफगानिस्तान एयरपोर्ट से अपनी तस्वीर ली की, इसमें अकल वालों के लिए निशानियत थी। जैसे ही जनरल फैज हमीद अफगानिस्तान की सरजमीन पर उतरे तो भारतीय मीडिया को मिर्चें लगने लगी। उन्होंने सारा दिन टीवी पर वेला करना शुरू कर दिया कि तालिबान के पीछे आईएसआई का हाथ था। कोई जाकर बाबाई इंटेलिजेंस जनरल हमीद गुल की कब्र पर बताए कि अमेरिका की मदद से अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त दी गई। जनरल फैज हमीद चाहते तो चाय के बगैर भी पिक्चर वायरल कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जनरल फैज हमीद ने सहाफियों के जवाब देते हुए कहा, काबल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक होगा, अब हम आ गए हैं, हम मुस्तकबिल के लिए भी अफगान अमन के लिए काम करते रहेंगे। अभी तो भारत के पिछले जख्म भी नहीं भरे थे। आईएसआई चीफ ने काबुल पहुंचकर सीधा भारत के दिल पर वार कर दिया। जनरल फैज हमीद पाकिस्तानी वफद के मुताबिक आज सुबह अफगानिस्तान के दारुलहुकूमत काबुल जा पहुंचे। जनरल फैज हमीद तालिबान शूरा की दावत पर काबुल पहुंचने वाले आला तरीन दर्जा के गैर मुल्की अहदेदार हैं। डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद की काबुल में चाय की सुर्खियाँ, परों से नहीं हौसला से उड़ान होती है। माशाल्लाह मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह का नजरिया जीत गया। अफगानिस्तान के शहजादों के पास आईएसआई के सरबरा जनरल फैज हमीद काबुल जा पहुंचे। इससे पहले भारतीय मीडिया सारा दिन वबेला करता रहता था कि अफगान पायलट्सों को पाकिस्तानी पायलट्स तरबियत दे रहे हैं।